हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। तो आज जो मूवी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, उस मूवी का नाम एक्स, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और एक मिस्टीरियस हॉरर फिल्म है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे एक सोशल मीडिया पोस्ट ने किसी की लाइफ को किस हद तक बदल कर रख दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक हाई स्कूल टीनेजर को देखते हैं जिसका नाम साशा था, जो कि अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए सोशल मीडिया पर एक अनजान लड़की के साथ फेक पिक्चर पोस्ट करता है और सबके पूछने पर वो सभी को ये बताता है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सीन यहीं पर खत्म होता है और अब हमें 7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम साशा और उसके फियांसे कात्या को अपने फ्रेंड्स ओलेग और जेन्या के साथ में पार्टी करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर साशा और कात्या उन्हें रिवील करते हैं कि उन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है। अब जेन्या कात्या के फोन में कुछ दिखाकर ये कहती है कि किसी ने साशा के सोशल मीडिया पर एक पुरानी मेमोरी शेयर की है जिसमें उसी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड के साथ में है। फिर पार्टी के बाद में ये सभी वहाँ से जाने लगते हैं। अब वहाँ से निकलने के दौरान कात्या साशा से इस बारे में बात करती है और साशा कहता है कि ये उसने नहीं किया है, किसी ने उसके साथ में मजाक किया होगा। फिर कात्या के कहने पर वो उस मेमोरी को डिलीट कर देता है। अब साशा कात्या को किस करने लगता है कि तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक लड़का निकलकर उसकी गर्लफ्रेंड की पिटाई करने लगता है और इस चीज का वीडियो बनाकर साशा ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। यहाँ पर अब दोनों अपने अपार्टमेंट में आकर एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी साशा के लैपटॉप में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की किसी की शादी में घुसकर वहाँ के ग्रूम को शूट करके उसे मार डालती है। फिर रात को जब साशा और कात्या अपने रूम में सो रहे थे, तभी कात्या की नींद खुलती है और उसे रूम के बाहर किसी की शेडो दिखाई देती है। जब उस साशा को उठाती है तो साशा के मुंडने पर उसे एक डरावनी सी शक्ल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाती है और उसी वक्त वहाँ पर साशा आकर कात्या को संभालता है। अगले सीन में हम कात्या और जेन्या को देखते हैं, जो कि एक जगह पर स्विमिंग करने के लिए आए हुए थे। अब जब कात्या पूल के अंदर थी तो उसे फिर से एक लड़की दिखाई देती है, जो कि कात्या की तरफ देखते हुए अचानक ही पूल के अंदर कूद जाती है। जब बहुत देर तक वो लड़की बाहर नहीं आती है तो उसे देखने के लिए कात्या पानी के अंदर चेक करती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर अंधेरा भी हो जाता है और कोई अजीब सी आवाज में उसे कहता है ही इज माइन, जिसके बाद में कात्या डर जाती है और फटाफट से पूल से निकलकर चेंजिंग रूम में जाती है, जहाँ पर उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है जिसकी शक्ल जली हुई थी। और उसी वक्त जेन्या वहाँ पर आती है और उसे घर ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साशा को वही सोशल मीडिया वाली लड़की मैसेज करती है और वो उससे बात करने लगती है, जिससे कि साशा काफी हैरान हो जाता है, जिसके बारे में वो ओलेग को भी बताता है। लेकिन ओलेग को ये सुनकर बहुत ही अजीब लगता है कि साशा का नंबर उसे कहां से मिला, जबकि ये लोग उसे जानते भी नहीं थे। साशा उसे कहता है कि इसने उसे मिलने के लिए बुलाया है और इन दोनों की बातें भी चल रही थी, तभी साशा का फोन ऑफ हो जाता है। फिर हम कात्या और जेन्या को देखते हैं, जहाँ पर कात्या जेन्या से कहती है कि वो साशा को पुल वाली बात ना बताए। अब कात्या की हालत डे बाय डे खराब हो रही थी, ना तो वो अब अपने घर से बाहर निकलती थी और ना ही वो किसी का फोन उठाती थी। फिर एक दिन जेन्या साशा से मिलती है और कात्या के बारे में बात करने लगती है, लेकिन साशा उल्टा जेन्या पर ही भड़क जाता है। अब यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पास्ट में साशा और जेन्या का एक रिलेशनशिप था जिसके बारे में कात्या कुछ भी नहीं जानती थी और जेन्या उस रिलेशनशिप से अब तक मूव ऑन नहीं कर पाई थी। अब साशा घर वापस आता है और कात्या को खाना लगाने को बोलकर नहाने चला जाता है और कात्या साशा का फोन चेक करने लगती है, जिसमें उसे उसी सोशल मीडिया वाली लड़की की चैट दिखाई देती है जिसमें उसने साशा को अपने ब्रेस्ट की फोटो भेजी हुई थी। साशा ये सब देख लेती है, जिसके बाद उन दोनों में काफी झगड़ा होता है और कात्या साशा को घर से निकल जाने को कहती है। साशा के जाने के बाद में कात्या सारी बात जेन्या को बताती है और फिर कात्या उस लड़की के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है, जहाँ पर उसे एक न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसे देखकर कात्या को पता चलता है कि इस लड़की का नाम मारिया है, जिसकी मौत एक हफ्ते पहले हो चुकी है। ये पता चलने के बाद में वो जेन्या को कॉल करती है और उसे अपने घर आने के लिए कहती है। अब सडनली घर की लाइट चली जाती है और इन सब के बाद में वो एंटिटी कात्या को और भी ज्यादा डराने लग गई थी। दीवारों पर लगी कात्या और साशा की पिक्चर्स में से कात्या की पिक्चर्स ऑटोमेटिकली जलने लगती है। फिर जब कात्या पीछे पलटकर देखती है तो स्प्रिट उसके पीछे खड़ी होती है, जिसे देखकर कात्या भागने लगती है, लेकिन वो स्प्रिट कात्या को हवा में उछाल देती है और उसका सिर दीवार पर टकरा जाता है, जिससे कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब कात्या को होश आता है और वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। उसके पास साशा बैठा हुआ था और साशा उसे बताता है कि वो घर पर बेहोश हो गई थी, जिसके बाद वो और जेन्या उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और जेन्या उसके लिए कॉफी लेने के लिए गई हुई थी। फिर कात्या उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड मारिया की मौत एक हफ्ते पहले हो चुकी है और कोई उसका अकाउंट हैक करके मारिया बनकर उसे बातें कर रहा है। ये सब सुनकर साशा को जेन्या के ऊपर शक होता है,
कि ये सब ज़ेन्या ने ही किया होगा और वो ज़ेन्या को बुरा भला सुनाने लगता है। ज़ेन्या उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन साशा उसकी बातों का यकीन नहीं करता है, तो इसलिए गुस्से में ज़ेन्या भी वहाँ से निकल जाती है। अब अगले सीन में ज़ेन्या अपने घर पर पहुँचती है और गुस्से में ज़ेन्या ओलेग को मेकआउट करने के लिए अपने घर पर बुलाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके घर पर अजीब गरीब चीज़ें होने लगती है। उसका पैरट अपने आप ही पिंजरे से गायब हो जाता है। जब वो उसके पास में जाकर चेक करती है तो वहाँ पर उसे वही स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और वो उसे हवा में उठाकर बड़ी बेरहमी से मार डालती है। फिर कुछ देर के बाद में जब ओलेग ज़ेन्या के घर पर आता है तो उसे ज़ेन्या बड़ी बुरी हालत में खून से लथपथ मिलती है और अब ज़ेन्या मर चुकी थी, जिसके बारे में ओलेग साशा को भी बताता है, जिससे कि साशा परेशान हो जाता है। अब इधर हॉस्पिटल में कात्या की नींद खुलती है तो उसके पास वाला पेशेंट कात्या के पास आने लगता है। पहले तो कात्या उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ ही देर में वो पेशेंट एक शेडो में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर कात्या बाहर भागती है जहां पर उसके साथ में और भी अजीब गरीब हरकतें होने लगती है। अब भागते भागते कात्या साशा के पास में पहुंचती है और साशा उसे संभालने की कोशिश करता है और उसे ज़ेन्या के बारे में भी बताता है, लेकिन तब तक वो स्पिरिट उन दोनों के पास में आने लगती है। अब ये दोनों हॉस्पिटल से भागते हैं और कार में ही कात्या अपने कपड़े चेंज करती है, जहाँ पर कात्या साशा को एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है जिसमें मारिया ने अपने एक्स की शादी में घुसकर उसे चूट कर दिया था और फिर बाद में खुद की भी जान ले ली थी। फिर कात्या साशा से मारिया के बारे में पूछती है, जो कि अब एक आत्मा बनकर इन दोनों का पीछा कर रही थी। यहाँ पर साशा रिवील करता है कि मारिया कभी उसकी एक्स थी ही नहीं। हाई स्कूल में ओलेग फ़ोन रिपेयरिंग पर काम किया करता था, जहाँ पर एक क्लाइंट के फ़ोन से उन्हें मारिया की फ़ोटो मिली और साशा ने अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए अपने आप को उस लड़की के साथ में फोटोशॉप करके सोशल मीडिया पर डाल दिया था। अब असली बात जानने के लिए कात्या और साशा मारिया का घर ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर कात्या को फिर से कुछ अजीब फील होता है। अब ये दोनों मारिया के घर के बाहर खड़े होते हैं लेकिन मारिया की मोम इनसे बात करने के लिए मना कर देती है, लेकिन किसी तरह कात्या उसकी मोम को कन्विंस कर लेती है और वो उन्हें अंदर ले आती है, जहाँ पर कात्या कुछ इटर्नल फूड फीडिंग के पैकेट देखती है, जिस पर मारिया की मोम उसे कहती है कि उसके हस्बैंड कोमा में है और वो उन्हें ही ट्यूब के थ्रू खाना खिलाती है। फिर वो उन दोनों को मारिया की स्टोरी बताती है कि आज से 7 साल पहले मारिया की शादी होने वाली थी, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही किसी ने उसकी पिक्चर इंटरनेट पर शेयर कर दी, जहाँ पर वो किसी और दूसरे लड़के के साथ में थी, जिससे कि मारिया का फैन से बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने मारिया की बात पर यकीन न करते हुए अपनी शादी तोड़ दी। यहाँ तक कि उसने मारिया के फेस पर एसिड भी फेंक दिया था, जिससे कि मारिया की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई और इसके बाद में मारिया ने कहीं आना जाना भी बंद कर दिया था और 7 साल तक उसने खुद को अपने कमरे में बंद करके रखा, यहाँ तक कि उसने अपने आप को आईने तक में भी नहीं देखा था। फिर कुछ दिन पहले जब मारिया को पता चला कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेल से छूटने के बाद में किसी और से शादी कर रहा है, तो उसने उसकी शादी में जाकर अपने फादर की गन से उसे गोली मार दी और फिर खुद को भी शूट कर लिया। अब ये दोनों मारिया के घर से निकलते हैं और ओलेग को कॉल करके एक मॉल में एक मिरर लेकर बुलाते हैं, क्योंकि जिंदा रहते हैं मारिया को मिरर से बहुत ही डर लगता था। अब मॉल में एक लड़का साशा को पीटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मारिया की आत्मा आ जाती है और वो उस लड़के को मार डालती है। इसी बीच कात्या साशा और ओलेग वहाँ से भाग जाते हैं और ओलेग उन्हें लेकर अपने अंकल के पास में जाता है, जो कि एक प्रीस्ट थे, क्योंकि कात्या का कहना था कि उन दोनों को जल्दी से जल्दी शादी कर लेना चाहिए ताकि वो स्पिरिट उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब ये लोग ओलेग के अंकल के पास चर्च में पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचकर उन्हें सारी बातें बताते हैं, लेकिन वो उनका यकीन नहीं करते हैं। पर वहाँ पर मारिया की आत्मा आ जाती है और सभी पर हमला करने लगती है, जिसके बाद में सभी लोग दरवाज़ा बंद करके मैरिज के रिचुअल शुरू करने लगते हैं। मारिया बार बार उन पर हमला करने की कोशिश करती है और वो मिरर भी गिरकर टूट जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो रिचुअल को पूरा कर लेते हैं, जिसके बाद मारिया वहाँ पर आग लगा देती है जिसमें ओलेग जलकर मारा जाता है। और इसी बीच मारिया की आत्मा चर्च में एंटर कर जाती है। प्रीस्ट कंटिन्यू प्रेयर करते रहते हैं लेकिन मारिया उन्हें भी उठाकर फेंक देती है। अब साशा कात्या को एक रूम में बंद करके खुद मारिया का सामना करने जाता है, लेकिन कुछ ही देर में दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कात्या साशा को बेहोश पाती है। कात्या प्रीस्ट से पूछती है कि सारे रिचुअल कंप्लीट हो जाने के बाद भी मारिया ये सब कैसे कर पाई, जिस पर प्रीस्ट उसे बताते हैं कि शायद मारिया का अंतिम संस्कार अब तक नहीं हुआ होगा, जिस वजह से उसकी आत्मा किसी डेमन के हाथों लग चुकी है और इसीलिए वो चर्च में आकर ये सब कर सकी। ये सुनकर कात्या को मारिया के घर की इटर्नल फीडिंग वाली बात ध्यान में आती है और वो साशा को चर्च में छोड़कर मारिया के घर के लिए निकल जाती है। कात्या मारिया के घर के अंदर छुपकर घुस जाती है, जहाँ पर उसे एक रूम में मारिया की बॉडी दिखाई देती है जिसे वेंटिलेटर पर जिंदा रखा गया था। तभी मारिया की मोम वहाँ पर आकर कात्या पर हमला कर देती है
और तब कात्या उन्हें समझाती है कि मारिया असल में मर चुकी है और वो भी उसे जाने दें, क्योंकि उसकी आत्मा एक डेमन के हाथ में लग चुकी है जो कि उससे लोगों का मर्डर करवा रहा है। लेकिन मारिया की मॉम ये सब मानने को तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर मारिया की स्पिरिट आ जाती है जिसे डेमन कंट्रोल कर रहा था। वो अब कात्या पर हमला करके उसकी जान लेने वाला था, लेकिन अंत में मारिया की मॉम सारी मशीन वगैरह डिस्कनेक्ट कर देती है जिससे कि मारिया की तुरंत मौत हो जाती है और मारिया की आत्मा के रूप में वो डेमन भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर चर्च में साशा को होश आता है और हम कात्या और साशा को साथ में देख पाते हैं। मूवी के लास्ट वाले सीन में हम फिर से मूवी का पहला सीन देखते हैं जहाँ पर ओलेग ने भी मारिया के साथ में खुद को उस पिक्चर में फोटोशॉप किया हुआ था और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको ये मूवी देखना है तो नीचे मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इस पूरी मूवी को देख सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।